अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से परे है। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है और द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण के ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृष भानु और कृति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी शुरू हो गई। लेकिन जो भी इस धरती पर आता है अपने साथ अपना भाग्य लेकर आता है, यही दर्शाने के लिए ऐसी घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसी वो क्या स्थिति बनती है कि कृष्ण अपनी बांसुरी ही तोड़ देते हैं और कैसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु, इन सब सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे अपनी इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। कहा जाता है कि राधा जन्म से ही थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेकर आई थी कि पृथ्वी लोक पर जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं देखेंगी। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोह लिया करते थे और राधा कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही शब्द सबसे प्रिय थे जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे और उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से दो वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में केवल कान्हा का ही वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा दर्शन देने आएंगे। ये दोनों वचन देने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर चले गए और राधा रानी वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद राधा का वर्णन बहुत ही कम मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए द्वारिका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारिकाधीश कहा गया। कृष्ण ने द्वारिका में रुक्मिणी और सत्यभामा से भी विवाह किया। साथ ही इसके अलावा श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें रुक्मिणी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। रुक्मिणी ने केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण को बुलाया और कृष्ण के साथ भागकर उनके धाम को आ गई। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के साथ विवाह किया और उनके साथ द्वारिका नगरी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी, जहाँ श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी सत्यभामा और 16,108 रानियों के साथ का जिक्र आता है, वहीं पर राधा और कृष्ण के प्रेम की भी बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उन्हीं में से एक प्रचलित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए श्री राधे राधे बोल देते थे, जो कि कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मिणी जी ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सभी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। श्री कृष्ण बोले कि तुम एक बार राधा जी से मिलाओ और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन जाते समय उनके लिए कुछ उपहार जरूर लेकर जाना। रुक्मिणी जी राधा जी से मिलने के लिए जाती है और साथ में गर्म दूध लेकर जाती है। जब वो राधा रानी के महल के द्वार पर पहुँचती है तो वो एक सुंदर स्त्री को खड़ा देखती है तो पूछती है कि क्या आप ही राधा हो। वो स्त्री कहती है, नहीं मैं राधा नहीं हूँ, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वारों के अंदर मिलेंगी।
वो रुक्मिणी जी को एक दो करके सभी द्वारों के पार ले जाती हैं। जब वह राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा रानी कई रातों से कृष्ण का नाम जपते हुए जागती रही हैं और बस अभी उनकी आंख ही लगी है। रुक्मिणी जी राधा रानी की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है तो कृष्ण का नाम सुनते ही राधा उठ जाती है और कहती है कि क्या कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित रह जाती हैं। केवल कृष्ण का नाम सुनते ही राधा रानी जाग गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वो बिना कुछ सोचे समझे रुक्मिणी से वो गर्म दूध लेकर पी जाती है। ये देखकर रुक्मिणी जी बहुत ही हैरान होती है। फिर वो राधा रानी से बातें करके वापिस आ जाती है। रात्रि के समय जब रुक्मिणी जी कृष्ण जी के पैर दबाती हैं तो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान होकर पूछती हैं, हे प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं। श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिला दिया था और राधा जी एक ही बारी में उसे पी गई, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। तब रुक्मिणी जी को राधा और कृष्ण के प्रेम की प्रकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक और कथा के अनुसार जब राधा जी का अंतिम समय पास आने लगा तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और उन्हें उनका वचन याद दिलाया जो उन्होंने मथुरा जाते हुए राधा को दिया था कि वो एक बार राधा से जरूर मिलेंगे। राधा जी के स्मरण करते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए, लेकिन राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति को देखकर वो अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक इच्छा प्रकट की कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जो वो वृंदावन में देखा करती थी। वो श्री कृष्ण की मीठी उसी बांसुरी की धुन को दोबारा सुनना चाहती थी। बस राधा जी का इतना कहना था, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती हुई राधा, दोनों की ही आंखों में प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते राधा रानी ने श्री कृष्ण के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को ही तोड़कर वहीं फेंक दिया। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या किसी भी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ नहीं लगाया। आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं और राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया लेकिन अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। राधा कृष्ण का प्रेम इस दुनिया के लिए भौतिक सुखों से दूर एक सच्चे प्रेम की मिसाल है और इसीलिए इन दोनों का प्रेम अमर है। इन दोनों के प्रेम के लिए कहा जाता है कि एक प्रेम दो देही राधा संग स्नेही, यानी कि जिनके शरीर अलग थे और आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।